नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं पिता पैतृक संपत्ति को कब बेच सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत से ऐसी वीडियो देखे होंगे कि पैतृक संपत्ति पे बेटों का भी अधिकार है, पिता बेच दे तो उसके बाद ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, एक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ कंडीशन। अगर ऐसे कंडीशन में पिता पैतृक संपत्ति को बेच रहा है तो उसमें पुत्र कुछ भी नहीं कर सकता है, ना उसको हिस्सा मिल सकता है, ना मुकदमा करने पे उसको मिलेगा। क्या है वो चीज़ जान लेते हैं। कंडीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस A.M. सप्रे और S.K. कौल की पीठ ने कहा है कि हिंदू कानून के अनुच्छेद 254 में पिता द्वारा संपत्ति बेचने के प्रावधान हैं। अब वो प्रावधान कब हैं? अनुच्छेद 254(2) में चल और अचल संपत्ति पैतृक संपत्ति को बेच सकता है वह पुत्र और पौत्र के हिस्से को कर्ज चुकाने के लिए बेच सकता है। और कई कंडीशन है उसके विषय में भी जान लीजिए, कब कब बेची जा सकती है पैतृक संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति उसे कब कब आप पिता बेच सकता है, किस कंडीशन में बेच सकता है, जिसमें पुत्र बिल्कुल कुछ भी करे उसको नहीं मिलेगा। तो ये मान के चलिए कि पैतृक कर्ज चुकाने के लिए बेची जा सकती है। पैतृक कर्ज क्या कहते हैं कि जो पैतृक संपत्ति जैसे मिली है उनमें कुछ कर्ज भी लिए हैं तो उसे कौन चुकाएगा? अब न पिता ही चुकाएगा। कैसे चुकाएगा? जब प्रॉपर्टी बेच करके चुका दिया है, उसके पास कमाई नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो प्रॉपर्टी बेच करके पैतृक संपत्ति बेच करके कर चुका सकते हैं। संपत्ति पर सरकारी देनदारी होने पर बेची जा सकती है। परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिए बेची जा सकती है। पुत्र पुत्रियों के विवाह परिवार समारोह या अंतिम संस्कार के लिए बेची जा सकती है। संपत्ति पर चल रहे मुकदमे में खर्चे के लिए बेची जा सकती है। संयुक्त परिवार के मुखिया के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमा में उसके बचाव के लिए बेची जा सकती है। अगर ऐसे कंडीशन हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ऐसे कंडीशन में पिता पैतृक संपत्ति को बेच सकता है, उस पर पुत्र का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, पुत्र का अधिकार कब होगा कि जब वो पैतृक संपत्ति है और इन सब कंडीशन से हट करके बेच दिए हैं या किसी एक लड़के को दे दिए हैं, अदर को नहीं दिए हैं, तो उस पर अगर जिनको नहीं मिला है अगर वो मुकदमा कर रहे हैं तो उसमें उनको संपत्ति मिल सकती है। ये कंडीशन है। मेरे पास कमेंट आए थे इसलिए बताया हूँ दोस्तों। और वीडियो अच्छी लग जाए गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगा। और लीगल एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा मैटर तो वीडियो में बता दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद।